हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अबे रस्सी फेंक, फेंक, यले, यले, अबे कौन सी रस्सी पकड़ू? अरे वही पकड़ जो मैंने पकड़ी है। आपने बहुत से जानवरों, परिंदों और कीड़ों को कैमोफ्लेज के जरिए अपने शिकारी को धोखा देकर खुद को बचाते हुए देखा होगा, मगर ये कीड़ा या कैटरपिलर कुछ खास है जो अपने चेहरे पर ओनेस्टली मास्क लगाकर शिकारी को भागने पर मजबूर करता है, जिसे पिंक एंड डॉर्मिंग कैटरपिलर कहते हैं। ये शिकारी को सामने आता देखकर पहले पूरे जिस्म को सुकेड़ कर अपने चेहरे को फुला लेता है, जिस पर कुछ ऐसे धब्बे और लकीरें इस अंदाज के अंदर बनी होती हैं कि ये इसकी बड़ी बड़ी आंखें और खौफनाक दांत लगते हैं जो एक बड़ी खोपड़ी पर बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई शैतानी रूह आ गई हो। शिकारियों से मुसलसल सर्वाइव करने के बाद ये अपने असल रूप यानी एक मौत या पतंगे के अंदर बदल जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने नन्हे से कीड़े के पास ये आइडिया और सोच कैसे आई कि मुझे खुद को इन दुश्मनों से कैसे बचाना है। बेशक ये सोच इसके बनाने वाले ने इसको दिया है। ऑर्गेनिक मूवमेंट, एक ऐसा अहम नुक्ता जिसको समझना इंतहाई जरूरी है। यूरोप और बरतानिया के अंदर 19वीं और 20वीं सदी के अंदर इस मूवमेंट का आगाज हुआ, जिसके अंदर इस्लामी ममालिक इजिप्ट, लिबनान, शाम और तुर्की शामिल हैं, जबकि इंग्लैंड में इस मूवमेंट का आगाज पार्टीशन से पहले ब्रिटिश इंडिया से हुआ, जब हिंदुस्तान पर बरतानिया की हुकूमत थी। आज से 85 साल पहले 15 जनवरी 1934 को आज के दौर के मशरकी बंगाल और बिहार के इलाके में 8.0 मैग्नीट्यूड का जलजिला आया, जिसने 10,000 लोगों की जान ले ली। इसके कैपिटल पटना में कई अहम इमारतें जमीन बोस हो गई और मौजूदा न्यू दिल्ली के इलाके पूसा में एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को बनाया गया जो कि बरतानवी हुकूमत के अंडर था। सो बरतानिया ने अपने काबिल तरीन बरतानवी रिसर्चर्स को यहाँ पर भेजा ताकि एक बार फिर से एग्रीकल्चर को नए सिरे से शुरू किया जा सके। मगर ये बरतानवी रिसर्चर यहाँ आकर और मकामी लोगों के एग्रीकल्चर के तरीके को देख कर हैरान रह गया और कहने लगे कि हम भला इन लोगों को एग्रीकल्चर क्या सिखाएंगे, बल्कि हमें खुद को इन लोगों से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमसे कई गुना बेहतर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं। दुबई, जिसे मुस्तकबिल का शहर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, इस वक्त भी दुनिया की बेहतरीन इमारतों का घर है और ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पर इंजीनियरिंग के ऐसे शाहकार मेगा प्रोजेक्ट जेरे तामीर हैं जो कि मुस्तकबिल के अंदर दुबई के नक्शे को बिल्कुल बदल कर इसे दुनिया में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल एक स्टेप मजीद ऊपर ले जाने वाले हैं, और वो ऐसे हैरत अंगेज स्ट्रक्चर जो कि आपको हैरान कर देंगे दरअसल क्या है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, एक वक्त था कि दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल के मामले में दुनिया को पीछे छोड़ने वाले मुल्क यूएई में रेत के सिरा के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर सिर्फ 5 दहाइयों के अंदर सब कुछ बदल गया और आज भी हर गुजरते दिन के साथ ये मुल्क जदीद से जदीद तर मुसलसल होता जा रहा है। यहाँ तक कि इस वक्त भी दुनिया की सबसे ऊँची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में मौजूद है, जो कि 828 मीटर ऊँची है। ऐसे शैतानी जूते जिसके अंदर इंसानी खून को शामिल किया गया है और शैतान को खुश करने के लिए इस डिज़ाइन के अंदर हर वो चीज़ शामिल की गई है जो अल्लाह और इसके बनाए गए अशरफुल मखलूकात यानी इंसान की तजलील कर सके। ये माजरा दरअसल है क्या, आइए जानते हैं। नाइकी कंपनी जो कि स्पोर्ट्स और शूज़ बनाने के लिए दुनिया भर के अंदर मशहूर है, इसके एक स्पोर्ट्स शूज़ के मॉडल का नाम है एयर मैक्स 97S, जिसे ब्रुकलिन आर्ट कलेक्टिव MCHF नाम की आर्ट कंपनी ने इसके अंदर बदलाव करके इसे एक ऐसे शैतानी जूते के अंदर बदल दिया है जिसके डब्बे से लेकर डिजाइन के अंदर आपको सिर्फ शैतान की झलक ही देखने को मिलेगी। फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।